हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, ये देखिए, सुबह सुबह घर में जो है काम फैल गया है। मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि फिर से मैं ना घर शिफ्ट कर रही हूँ। सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा काम फैल गया था क्योंकि आप सभी लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। तो हमने उसी कमेंट को देखते हुए सोचा कि चलो इस काम को हम कर ही लेते हैं, नहीं तो मुझे पता है कि डेली की डेली कमेंट आएंगे। मैं कितना भी रिप्लाई कर दूँ फिर भी आएंगे। तो बस यहाँ पर ये है इनका स्टडी रूम, इसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और बेड का सारा सामान हमने बाहर निकाला है। क्यों निकाला है ये तो अभी आप देख ही लेंगे। तो बेड को भी अच्छे से क्लीन कर ही लिया, जब मैंने सोचा कि सामान निकला है तो इसको अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। अंदर से बाहर से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था क्योंकि थोड़े से जाले वगैरह लग रहे थे। उस टाइम पे जब हमने घर शिफ्ट किया था ना, तो पूरी तरह से जो है बेड अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया था। मतलब आप समझ सकते हो, उस टाइम पर इतना टाइम भी नहीं था मेरे पास कि मैं डिटेल में इसको क्लीन करती। तो यहाँ पे क्लीन व्लीन करके हमने स्टडी रूम में इस बेड को लगा दिया है। और अभी ये लगा रहे हैं सारा सामान। तो सारे जितने भी कपड़े थे सभी को मैंने बाहर धूप में डाल दिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की डेट मैं आपको बता दूँ, 12 अक्टूबर है और आज मंडे है। इवनिंग का टाइम हो रहा है। मैंने मॉर्निंग में अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, बट बात मैं आपसे इवनिंग में कर रही हूँ। क्या हुआ, मतलब मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा काम फैल गया, इतना ज़्यादा काम फैल गया कि फिर वो कैमरा उठाने का ना मौका ही नहीं मिला। तो आप सब लोग बहुत दिन से कह रहे थे चलो वो काम भी मैंने कर दिया, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होगी हम लोगों को। कोई नहीं, वो हम कर लेंगे। अब आप लोग इतना ज़्यादा कहे जा रहे थे, मैंने सोचा था कि कुछ दिन और निकाल लेते हैं ऐसे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब एक को समझाऊं, दो को समझाऊं, मैंने बोला इनको कि यार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, एक काम करते हैं चेंज कर ही देते हैं। तो वो काम फाइनली हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या काम हो गया है। तो उस काम को हम कर ही रहे थे, इतने में हमारा वाटर टैंक है ना, उसको क्लीन करवाना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा था। और तो उसको क्लीन करवाने वाले जो भैया हैं जिनको हमने बुलाया था क्लीन के लिए, क्लीनिंग के लिए, वो भैया भी आ गए। मतलब उनको भी उसी टाइम पे आना था जब हम लोग ये सारे काम कर रहे थे। तो ये उनके साथ बिजी हो गए, ऊपर क्लीनिंग करवाने लग गए थे टैंकी की। तो उसके बाद मैंने फिर नीचे का सारा काम किया। तो फिर हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कैमरा उठा के आपसे बात कर सकूँ या आपको कुछ दिखा भी सकूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा काम फैल जाएगा। तो क्या काम किया है अभी मैं आपको दिखाई देती हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए, हॉल में कुछ इस तरह से हमने कर दिया है, ठीक है। इसी के लिए आप लोग बोले जा रहे थे ना। और आपको बेड दिखाती हूँ कि बेड कहाँ पहुँच गया है अभी। तो ये देखो, बेड जो है वो आ गया है इनके स्टडी रूम में, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। यहाँ से हमने अपना एक व्लॉग जो है एडिट किया, आप सभी के साथ शेयर किया। और तो अभी आप लोग बोलेंगे कि दीदी आपने अपने बेड को वहाँ क्यों रखा है, तो वो आपको अब आने वाले ब्लॉग में ही पता चलेगा कि हमने स्टडी रूम में इनका बेड जो मैंने जो हमारा बेड था वो हमने क्यों लगाया है। और कर्टन, अच्छा आप लोगों के क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं ना कि मैं हर ब्लॉग में उनके आंसर ही देती रहती हूँ। कर्टन को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है इस घर में, बहुत ज़्यादा, तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम रेस्ट भी नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा उजाला आता है, धूप आती है कि हाँ, सर्दियों में एक बार ये है कि मतलब धूप में बैठने का मन करता है तो चलेगा, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल नहीं चल पाता है। तो अभी इतनी सर्दी नहीं है कि हम मतलब जो सनलाइट आ रही है उसको ले लें लेकिन अच्छी होती है घर में आना सनलाइट। तो बेड को हमने जो है स्टडी रूम में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसके लिए पता है बहुत काम फैला था, पूरा बेड खाली करना पड़ा। फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन भी किया क्योंकि उस टाइम पर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया था, अच्छे से क्लीन भी किया। उसके बाद फिर हमने बेड को जो है ट्रांसफ़र किया उस रूम में। उसके बाद सारा सामान बेड का बेड में लगाया। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने एक काम और कर लिया, मुझे एक बार और उठना पड़ेगा, आपको दिखाई देती हूँ मैं। और हॉल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको स्पेस दिखाई देगा, आप देखो है ना, पूरा पूरा खाली हो गया है। तो अभी तो ये देखो, मैं आपको ये दिखाती हूँ, इसको भी मैंने पूरा लगाया है आज। ये देखो, सारी की सारी साड़ियाँ मेरी यहाँ पे आ गई हैं। कुछ एक्स्ट्रा ब्लाउज हैं जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं, मतलब हैंग किए हुए हैं। और ये पूरा मेरा मेकअप रखा हुआ है, ज्वेलरी रखी है इस वाले साइड, यहाँ पे पूरा मेकअप रखा हुआ है, ऑयल वगैरह जो रखे हुए हैं। तो इसके लिए मुझे एक अलग से मतलब
रैक लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें अच्छा नहीं लग रहा है ना, देखो है ना अच्छा नहीं लग रहा है ना, आप लोग भी बताना। तो मैंने सोचा है ऐसा, अभी तो नहीं, जब मुझे अच्छा मिलेगा तो मैं या तो ऑनलाइन मंगवा लूँगी या फिर यहाँ मुझे मिल जाएगा तो यहाँ पे ठीक है। तो ये है हमारा बेडरूम जो कि अभी इसकी हालत आपको दिखाने लायक नहीं है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और अभी मुझे सारे बैंगल्स भी अपने लगाने हैं, तो मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए। तो आज आपको पता ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, बड़े बड़े जो काम होते हैं उनमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जो छोटे छोटे काम होते हैं, मुझे सारी साड़ियों को फिर से फोल्ड करना पड़ा, फिर से उनको हैंग करना पड़ा प्रॉपर, और बहुत सारा काम जो है किया, फिर डस्टिंग भी की, फिर क्लीनिंग भी की, उसके बाद लंच किया, तो बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। तो चलो एक मतलब हमारा काम जो है आप लोगों ने बोला। अच्छा अब आप लोग बोलेंगे दीदी आपके लिए मुश्किल क्यों हो रहा है वहाँ पे बेड रखना, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है और यहाँ से थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा भी आती थी, उसमें थोड़ा सा अभी सफोकेशन है क्योंकि उसमें हम एक दिन भी मतलब बैठे नहीं हैं, मतलब ऐसे ही बस सामान वगैरह रखा हुआ था। तो सोच रहे थे कि अभी कुछ दिन और यहाँ पे निकल जाते, लेकिन इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि चलो हम लोगों ने सोचा कि एक्सेप्ट कर ही देते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी कुछ दिन के लिए, कर लेंगे, उसके बाद बेडरूम रेडी हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे सोया करेंगे बेडरूम में अपने। लेकिन ये जो स्टडी रूम है ना ये थोड़ा सा हीट करता है, पता है क्यों? क्योंकि ना वहाँ साइड से ना कुछ बना हुआ नहीं है, बेडरूम मतलब ठंडा रहता है, बेडरूम अच्छा रहता है, लेकिन ये वाला स्टडी रूम थोड़ा सा मतलब उसमें लगता नहीं है कि हम लोग सो पाएंगे। तो देखेंगे आज पहला दिन है कैसा क्या रहता है, लेकिन आप सभी के कहने पर कर दिया है। आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आई होंगी कि हम लोग बेड वहाँ पे क्यों नहीं रख रहे थे, हॉल में ही रखा था क्योंकि हमें बता दो था कि हमें शिफ्ट वहाँ पे करना ही है, क्योंकि वो हमारा गेस्ट रूम रहेगा, इनका स्टडी रूम रहेगा, जो भी कोई गेस्ट आएंगे वो उन्हीं के लिए है, और वो इनका स्टडी रूम भी रहेगा, और ये हमारा बेडरूम रहेगा, ये हमारा, यहाँ तो कोई सोएगा नहीं आपको पता ही है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, चलो कोई नहीं, आपकी भी इच्छा पूरी हो गई है और हमारा भी काम जो है थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि टेंशन सी रहती है कि हमको ये काम भी करना है। तो इसी को लेकर के आज पूरा दिन बिजी रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप सब लोग बोलते हो, एक और क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट आ रहे कि दीदी आप इतनी शॉपिंग करते हो, भैया के लिए शॉपिंग नहीं करते हो। मैं आपको बता दूँ भैया के पास इतने कपड़े हैं, शॉपिंग वो भी करते हैं लेकिन वो पहनते नहीं हैं, और यही खास बात मेरी भी है, क्योंकि घर में ना कंफर्टेबल होके रहना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अब इतने सारे काम जो है ना, अब आप ही बताओ अगर अभी कोई मैं नया सूट या हैवी ड्रेस या कुछ भी पहन लूँ तो उनको पहन करके मैं ये सारे काम तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे लोअर टी शर्ट में जो कंफर्टेबल फील होता है ना वो किसी और में नहीं होता, इसको पहन करके मुझसे कितने भी काम करा लो। और अभी तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है तो हर एक दिन काम होता है, हर एक दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग शांति से बैठे हैं या मतलब बातें कर रहे हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ दिखाई देता रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे भी हो जाती है बहुत सारी, तो आप समझ सकते हो, इसलिए मैं जो है लोअर टी शर्ट पहनना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि काम भी ना भाग भाग के करने होते हैं घर के, आप सबको पता है मैं अकेली हूँ, कोई है नहीं, हेल्प के लिए भी पूरी जिम्मेदारी है। चाय बन गई है और अभी ना मैं अपना भजन सुन रही थी, मेरा दीवानी हो गई, मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप सब लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, अगर नहीं सुना है तो सुन लेना, सत्येंद्र कल्याण म्यूजिक को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो मेरे हस्बैंड का चैनल है, हस्बैंड जी का चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ अब आपके साथ नए नए भजन हम लोग शेयर करेंगे, दोनों ही करेंगे, कोशिश करेंगे पूरी पूरी। तो चाय बन गई है, आप सब लोग भी आ जाओ चाय पीने के लिए। चाय कैसे बनाती हूँ ये तो आप सबको पता ही है, बहुत बार शेयर किया है। तो चाय को ना जब तक बहुत अच्छे से उबालते नहीं है ना तब तक स्वाद नहीं आता, अच्छा स्वाद चाहिए ना, तो धीमी धीमी आंच पे इसको उबालते रहो, हाई करो कम करो, हाई करो कम करो, इस तरीके से। तो चाय को काफी टाइम तक बनाती हूँ मैं, तभी चाय जो है पीने में अच्छी लगती है।
और ये देखो ये रखे हुए हैं बैंगन, तो ज्यादा है मुझे लग रहा है कि कम बनाऊंगी, थोड़े से रख दूंगी फ्रिज में उठा करके। तो मैं बनाऊंगी भरवा बैंगन, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो मैंने बना लिए चाय, और मैंने इनसे बोला था कि चाय पीने के बाद आप वो भैया को ले आइए, क्योंकि मुझे घर में थोड़े से काम करवाने थे। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, पहले मैं चाय पी लेता हूँ फिर मैं निकलता हूँ। तो चाय पीने के बाद ही निकल जाएंगे। फ़िलहाल तो ये चाय है, आप लोग भी पी लेना। और चाय के साथ में मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्नैक्स निकाल रही हूँ, थोड़ा सा नमकीन, और ये जो समोसे हैं ना, ये मसाले वाले समोसे हैं, इनको भी निकाल रही हूँ। तो चलिए हम लोग चाय पियेंगे, तब तक आप लोग एक छोटी सी क्लिप देख लेना, आपको यूज़फुल लगे, आपको अच्छे लगे तो आप भी बाय कर सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं, तब तक आप लोग एक क्लिप देख करके आइए, फिर मिलते हैं आपसे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और भी लोगों को हेल्प मिलेगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सब भी जानते हैं कि मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, और कैसे रखती हूँ ये तो आप सब भी जानते ही हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। और मेरा मानना है कि अगर सेहत अच्छी है तो हर काम करने में मन लगता है, फिर चाहे वो व्लॉगिंग हो या कोई भी वीडियो हो या घर का काम हो या फिर मतलब कुछ भी, आप समझ सकते हैं। अगर सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, मतलब कहते नहीं है कि तन सुखी तो मन सुखी। अगर हेल्थ अच्छी होती है तो पॉजिटिव विचार आते हैं मन में और एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, नया सीखने और सिखाने का भी मन करता है। तो इसके लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे जाना, जो कि मैं जाती हूँ। छोटे छोटे जो एक्सरसाइज होते हैं घर में वो भी करती हूँ, योगा करती हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और अगर आप सभी हमारी मतलब मेरी और मेरे हस्बैंड की एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज अभी तक मैंने शायद शेयर नहीं की है। अगर देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, तो वो भी मैं आपके साथ, छोटी छोटी एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ ना, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके अलावा आजकल मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ले रहे हैं। तो मैंने आपको अपने पुराने वाले घर में दिखाया था ना कि मैंने अमेजोन से ग्रीन टी मंगवाई थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे, दीदी आपने कौन सी ग्रीन टी मंगवाई है और कैसे कैसे आपको ले रही हो उसको। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन सी ग्रीन टी मंगवाई है। ग्रीन टी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दिन में आपको 2 से 3 बार ग्रीन टी लेनी ही है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं कि मैं कौन सी ग्रीन टी मंगवाई है और मैं कैसे कैसे उसको लेती हूँ। तो गाइस, ये देखिए मैं अभी ले रही हूँ न्यू हर्ब्स का ग्रीन टी, ये बिल्कुल प्योर एंड नेचुरल है। और इसमें ये देखिए 25 टी बैग्स निकलते हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने काफी हद तक फिनिश भी कर दिए, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इसमें 25 टी बैग्स हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट केयर किया गया है, ग्लूटेन फ्री है, ये लेमन फ्लेवर में है, और ये लेबोरेटरी टेस्टेड है, और ये प्रिजर्वेटिव्स फ्री है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है, एनर्जी 1.02 कैलोरी, प्रोटीन 0.21 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0.04 ग्राम, शुगर 0 ग्राम, फैट 0 ग्राम है। तो मैं इसे इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री है और इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है, और इसका एंटीऑक्सीडेंट केयर किया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन टी मुझे इसलिए और ज्यादा पसंद आई है क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो लेमन फ्लेवर में है, और लेमन फ्लेवर टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसकी खास बात ये है कि ये मेरी इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और ये मुझे पूरे दिन एनर्जी देता है, जिससे मैं पूरे दिन भर एक्टिव रहती हूँ और आप सभी के लिए नए नए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हूँ। सो गाइस, अब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें 95% ग्रीन टी है, और 5% इसमें लेमन फ्लेवर है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसे रेगुलर लेने से वेट लॉस में हेल्प मिलती है, और ये हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, और हमारी स्किन को चमकदार बनाता है, जो कि हर किसी को पसंद होती है। तो मेरी स्किन आप देख सकते हैं। अच्छा, ये वाला कमेंट भी बहुत ज्यादा आता है, दीदी आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग कैसे है, इतना अपने आपके फेस पे ग्लो कैसे रहता है। तो ये सारी चीजें ग्रीन टी वगैरह पीने से आपका जो नेचुरल जो आपका ग्लो है ना, वो निखर के बाहर आता है। तो मतलब ये जो ग्रीन टी है ना, ये आपके वेट लॉस को कम करने में हेल्प तो करता ही है, लेकिन ये आपकी स्किन को भी चमकदार बनाता है और आपको पूरी तरह से फिट और स्लिम बनाता है।
और ये आपके बॉडी के एक्सेस फैट को कम करता है। और ग्रीन टी मैं दिन में 2 बार लेती हूँ, और आप दिन में कभी भी ले सकते हैं इसको, तो 2 से 3 बार तो ग्रीन टी दिन में लेनी ही चाहिए। और खास बात इसकी पता है क्या है गाइस, मुझे ये ग्रीन टी पीने में इसलिए और ज्यादा बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना वो लेमन फ्लेवर में है। मुझे लेमन फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, हल्का हल्का लेमन फ्लेवर आता है जब आप गरम गरम इसकी चुस्कियां लेंगे तो आपको लेमन फ्लेवर मिलेगा। तो आप पूरी तरह से इसके टेस्ट पे जा सकते हैं, पीने में ये बहुत अच्छी लगती है। और जब कोई भी चीज़ हमको अच्छी लगती है तो फिर हम उसको पी सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। देख सकते हैं ग्रीन कलर का मार्क, ये 100% वेजिटेरियन है और ये FSSAI द्वारा और ISO GMP द्वारा सर्टिफाइड है और लेबोरेटरी टेस्टेड है। मैं तो इसको बना के पी चुकी हूँ, तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। 2 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही इजी है, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाना बहुत ज्यादा इजी है। आपको क्या करना है, इसमें से 1 टी बैग लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 25 टी बैग निकलते हैं, तो ये आपको 1 टी बैग लेना है, इसको ओपन करना है और इस टी बैग को आपको अपने टी मग में आपको रख देना है। उसके बाद आपको पानी को बॉईल करना है, अच्छे से बॉईल करना है, जैसे हम अपनी टी बनाते हैं उसी तरह से पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए, और जिस कप में आपने टी बैग को डाला हुआ है उसमें आपको उस पानी को डाल देना है, और टी बैग को आपको अच्छे से डिप करना है और स्ट्रांग बनाना है आपको टी को, तो आप उसको उसमें ही रहने दीजिए। और अच्छे फ्लेवर के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, और अगर आपको उसको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं और उसके बाद इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ईजी है ग्रीन टी बनाना, और 2 मिनट के अंदर ये बनके तैयार हो जाती है। और मेन बात है कि ये हमारा वेट लॉस करने में हेल्प करती है, तो आप इसको कभी भी बना के पी सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए न्यू हब्स का अपना वेबसाइट भी है, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं या फिर अमेजोन से भी कर सकते हैं। मैंने इसको अमेजोन से बाय किया हुआ है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं, डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस का बात करते हैं तो इसकी प्राइस है 145 रुपीज, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। तो बाय कीजिएगा और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये ग्रीन टी कैसी लगी। तो मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन। तो बैंगन मैंने धोकर के पहले ही रख दिए थे, और छोटे छोटे मैंने बैंगन लिए हैं क्योंकि छोटे जो बैंगन होते हैं उसमें बीज कम होते हैं। इस तरह से मैं इनको कट लगा रही हूँ, पानी में डालती जा रही हूँ क्योंकि ये काले नहीं पड़ेंगे। और इस तरह से कट लगा के आपको चेक करना है कि इसमें कोई कीड़े तो नहीं है, क्योंकि बैंगन में बहुत ज़्यादा कीड़े भी हो सकते हैं। तो देखिए मैं रिजेक्ट करती जा रही हूँ जिनमें भी कीड़े हैं, तो इसी तरह से सारे बैंगन को कट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद पानी में इसको डाल देंगे। यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, उसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि बैंगन को हमें 80% कुक करना है। तो मैंने यहाँ पे पानी से निकाल के और थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, मतलब कपड़े पे फैला दिए थे बैंगन को, जिससे इसमें पानी नहीं रहा है, क्योंकि अगर पानी वाले बैंगन आप ऑयल में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा छींटे आएंगे, है ना। तो इनको 80% कुक करना है, मतलब मीडियम फ्लेम पर इनको चलाते रहिए 1-2 मिनट तक और इनको अच्छे से पका लीजिए। बाकी के जो भी 20% आपको कुक करना है वो मसाले के साथ करेंगे, क्योंकि मसाला भी तो बैंगन के अंदर जाना चाहिए ना। तो ये जो बैंगन की सब्जी है ना गाइस, एक बार ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा, आप सभी को पसंद आएगी और बहुत इजी है, बहुत ही टेस्टी है। तो बैंगन आप देख सकते हैं फ्राई हो गए हैं, इनको मैं एक बर्तन में निकाल के साइड में रख दूँगी। तो ये देखिए बैंगन मैंने निकाल के रख दिया, कितना प्यारा कलर आया है ना। तो इसी ऑयल में अब हम डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा था इसलिए मैंने ऑयल को और पका लिया है ढक कर के। इसमें मैंने सौंफ डाली है, 2 तेज पत्ते डाले हैं, 1 बड़ी इलायची डाली है। आप सौंफ की जगह जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन सौंफ ना बैंगन में बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया है। आप चाहें तो ना पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं प्याज वगैरह का, लेकिन मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक महीन चॉप कर ली है और डाल दी है। तब तक प्याज भुन रही है तब तक मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। अगर आपके पास रेडीमेड जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना वो है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं 1 चम्मच के समथिंग, लेकिन मैं यहाँ पे साथ ही साथ में बना लेती हूँ। इसकी ना खुशबू और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। तो प्याज भुन चुकी है, उसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जिससे थोड़ा सा ये भी भुन जाएगा प्याज के साथ में, इसका जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाना चाहिए। तो इसको भी अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे
मैंने दो यहाँ पे टमाटर लिया है, इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और आप चाहे तो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं टमाटर की, लेकिन मैंने टमाटर ऐड कर दिया है क्योंकि हम जब इसमें नमक डालेंगे ना तो ये जो टमाटर है वो अच्छे से ना मिक्स हो जाएंगे प्याज के साथ में, तो ये नहीं यहाँ पे नमक डाल दिया है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको पकने देते हैं, सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं इसको। मैंने ढक दिया है, जल्दी पक जाते हैं ढकने से। तो ये देखिए टमाटर जो है वो पक चुके हैं और इसके बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, जो रेगुलर वाली लाल मिर्ची होती है ना जो तीखी होती है वो ऐड की है आधी छोटी चम्मच। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे भुना हुआ जीरा पाउडर, मतलब आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको कलर अच्छा लाना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाला भुन चुका है, ऑयल भी छोड़ने लग गया है आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक गिलास पानी भर के, क्योंकि मैं लस्से वाली सब्जी नहीं बना रही हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे दीदी पानी क्यों ऐड किया, पानी सारा का सारा चला जाएगा, अभी हम बैंगन पकाएंगे ना इसमें, इसलिए। तो ये जितने भी हमने फ्राई किए थे बैंगन को, वो सारे के सारे बैंगन हम इस ग्रेवी में डाल देंगे और इसको हम लिड लगा के हाई फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे ये पानी भी कम हो जाएगा और जो बैंगन है वो भी अच्छे से पक जाएंगे, बैंगन के अंदर अच्छे से मसाला चला जाएगा। तो इस तरह से आपने एक बार सब्जी बना के देखना गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, शायद मैं भूल गई थी मैंने नहीं डाली थी, इसको ढक कर के रख दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने इनसे, ये भैया हैं, इनको बुलवाया था क्योंकि ये जो एक कवर्ड आप मेरी किचन में देखेंगे, देखा भी होगा, वो हमने बनवाया था, तो उसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो वो कवर्ड में जितना भी सामान लगा हुआ है वो पहले से हमारे पास रखा हुआ था, जो पुराना वाला घर था वहाँ हम लोग रहते थे ना, वहाँ पे एक भैया काम कर रहे थे, वहाँ पे फर्नीचर का काम चलता रहता था क्योंकि न्यू फ्लैट बनते थे। तो वहाँ हमने उसको बोला कि ये हमारे पास सामान रखा हुआ है, आप इसको बना दीजिए। तो उन्होंने बना दिया, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया है, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन ये जो भैया काम कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी फिनिशिंग थी ना इनके हाथ में। तो इनसे हम ना यहाँ पे सनमाइका लगवा रहे हैं, सनमाइका हमने नहीं लगवाई थी वहाँ पे क्योंकि आने की जल्दी थी, सामान सारा का सारा पैक हो गया था और एट ए टाइम वो रैक बना हुआ था, तो हम लोगों ने बोला कि चलो हम इसमें बाद में लगवा लेंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम लोगों ने माइका लगवा दी है ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर अच्छा लगता है, किचन से भी मैच हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने लगा दी है और अच्छी फिनिशिंग की थी उन्होंने, अच्छा बनाया था रैक, अभी आपको देखने को मिलेगा किस तरह से बना है। ये सब्जी बन चुकी है, इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दीजिएगा, मैंने बाद में ऐड किया था। और ये सब्जी बन के तैयार हो गई है, भरवा बैंगन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं गाइस, आप देख ही सकते हैं। तो रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो वाला रैक दिखा देती हूँ जो कि कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से, और अब लग रहा है कि हाँ ये पूरा बन गया है। अंदर हम इसके अंदर पेंट वगैरह करने की सोचेंगे, अंदर नहीं लगवाई है मायका, बाहर ही बाहर लगवाई है। तो ये देख सकते हैं गेट भी लग चुके हैं, मायका लग गई है। तो भैया के जाने के बाद जो सारा काम फैला था ना गाइस, सुबह भी फैला था और शाम को भी फैल गया, तो आप समझ सकते हो सुबह का समेटना, फिर शाम का समेटना, फिर साथ में डिनर बनाना, लंच बनाना, घर कितने सारे काम, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ आजकल, इसलिए आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं, आंटी जी बैठी हैं, प्रियंका बैठी है, प्रियंका आई थी किसी काम से, मैंने बोला कि चलो खाना खा लो, हम लोग खाना खाने ही जा रहे थे, तो उसने भी खाना खाया। मैंने बनाया था मिक्स दाल, भरवा बैंगन दाल और मिस्सी रोटी थी। तो बस यही सब डिनर में था और बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत दिन से आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है, उसके लिए सॉरी, लेकिन बहुत जल्दी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी मैं लेकर के आने वाली हूँ। तो शौरांजलि की रसोई को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, तो वो मेरा दूसरा चैनल है। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।